हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस केयर इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ डॉक्टर इंदिखावेदर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉल कर रहे हैं कि सर नीट फेज़ टू क्या है ना। तो ऐसा नहीं है कि नीट दोबारा होने जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नीट फेज़ टू आप लोगों ने शायद सही से पढ़ा नहीं था, उसमें दिया हुआ था कि नीट फेज़ वन आपने कम्प्लीट कर लिया है। नीट फेज़ टू क्या है बेटा? नीट फेज़ टू रजिस्ट्रेशन में आपको करना क्या है कि नीट फेज़ टू रजिस्ट्रेशन में आपको फर्स्ट थिंग बच्चों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको टेंथ की मार्कशीट, क्या बच्चों? टेंथ की मार्कशीट्स आपको अपलोड करनी है, ठीक है ना। आपको बच्चों डोमिसाइल अपलोड करना है। तीसरा बच्चों आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। और किसी के पास अलग अलग जो है डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है ना, तो वो भी आप लोगों को ऑप्शन दिए होंगे, वो मांगेगा, वो आप सबमिट कर दीजिएगा। बाकी वही सारी चीज़ें, नेम, एज, फादर्स नेम, पेरेंट्स, ये सब तो लगता ही, एड्रेस हो गया आपका, ये सारी चीज़ें। अगर आप इसको नहीं फिल करेंगे तो आपका रिज़ल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये करना आपको बहुत ज़रूरी है। सारे बच्चे जिन्होंने नीट दिया है, ठीक है ना, वो सारे बच्चे जब तक ये फिल नहीं करेंगे तब तक उनका रिज़ल्ट पब्लिक नहीं होगा। तो प्लीज़ अभी तो लिंक शायद एंटी वालों ने नहीं दी है, हो सकता है लिंक इसकी दे दें, ठीक है ना। तो उस पर आप क्लिक करके सारी की सारी चीज़ें फिल कर दीजिएगा, आपका रिज़ल्ट तभी आएगा, ठीक है ना बच्चों। ओके बाय बच्चों, टेक केयर योरसेल्फ, बाय।